हेलो माय लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल बी ब्यूटीफुल विद इन। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा खास है। आज मैं आपको लेके चलूंगी मेरे न्यूली रेनोवेटेड हाउस टूर पे। सो फ्रेंड्स, जिस घर में हम रहते थे तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने सोचा कि हम पूरा रेनोवेट कर लेते हैं अपने हाउस को। हर एक का ड्रीम होता है एक डिजाइनर घर में रहने का। सो वी जस्ट वॉन्टेड कि पूरा हम एक कॉन्ट्रैक्ट जो है ये पूरा जो रेनोवेशन का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किसी इंटीरियर डिजाइनर को ही दे दे, ताकि वो सोच सके कि क्या क्या चेंजेस। कुछ हमारे दिमाग में थे कि हमें क्या क्या चेंजेस चाहिए, बिकॉज वी आर ऑलरेडी स्टेइंग इन द हाउस। सो हमने सोचा कि पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, एक प्रॉपर इंटीरियर डिजाइनर को ढूंढते हैं, एंड देन लेट इट गो इन टू द हैंड्स ऑफ अ प्रॉपर इंटीरियर। सो गूगल पे हमने सर्च किया, जस्ट डायल पे सर्च किया, एंड वी केम टू नो अबाउट वास्तु मंत्रा, और हमने हमारा पूरा कॉन्ट्रैक्ट, इंटायर कॉन्ट्रैक्ट उन्हें दिया। बहुत लोगों से पहले मुलाकात की, एंड देन वी वर सेटिस्फाइड विद देम, एंड हमने कहा कि यार हमारी कुछ थिंग्स वर थेयर के हमको 3.5 months में ही कम्प्लीट करवाना था। एंड जो नए कंस्ट्रक्शन होते हैं, जो नए घर होते हैं, उन्हें डिजाइन करना बहुत आसान होता है मेरे हिसाब से, बट अगर जो घर ऑलरेडी बना है एंड उसे वापस डीकंस्ट्रक्ट करके रीकंस्ट्रक्ट करना, कुछ चीजें चेंज करना, ये ज्यादा डिफिकल्ट होता है। सो देन टू आई ट्रस्टेड वास्तु मंत्रा एंड रिजल्ट काफी अच्छा आया है। फाइनली हमें चाबी मिल गई है, तो आज मैं आपको लेके चलूंगी मेरे न्यूली रेनोवेटेड हाउस टूर पे। तो लेट अस गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, लेट अस बिगिन विद द एंट्रेंस। सो ये मेरा एंट्रेंस है, यहाँ पे मेरा दरवाजा है। सो घर में एंटर कर रहे हैं हम, और सब कुछ जो डिजाइनिंग पार्ट थी वो वास्तु मंत्रा ने हमको हेल्प किया है। मास्टरमाइंड मेरे हस्बैंड का था, उन्हें पता है, वो इमेजिन कर सकते हैं कि कैसा लगेगा, कहाँ पे क्या लेना है, ऑल दैट, और बहुत सारा रिसर्च किया था उन्होंने। तो वास्तु मंत्रा और मेरे हस्बैंड ने साथ में बैठ के क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं इस पे पूरा डिसीजन लिया था, एंड दिस इज द होल आउटकम आई एम शोइंग यू। तो जहाँ पे हम अभी हैं वहाँ पे हम पैसेज हैं जहाँ से हम घर में एंटर करते हैं, और ये मेरा है लिविंग रूम। तो मेरा हॉल है मेन, यहाँ पे जो ये आप स्टोन क्लैडिंग का जो वॉल देख रहे हैं, टीवी यूनिट जो आप देख रहे हैं, ये बहुत ही बड़ा चेंज है हमारे घर में, क्योंकि यहाँ पे खिड़की थी किचन की, पीछे किचन है, और वो किचन की विंडो थी, वहाँ से हम हॉल में कुछ ले सकते, तो वो हमने बंद करवाया और यहाँ पे पूरा ऐसा स्टोन क्लैडिंग का लुक दिया है। साथ में टीवी यूनिट है, तो यहाँ पे मेरा बड़ा टीवी भी आएगा। तो अभी तो मैं आपको सिर्फ ड्रॉ बता रही हूँ, उन्होंने जस्ट कीज हमें हैंडल की है, और हमारा फुल रेनोवेटेड हाउस का टूर करवा रही हूँ मैं आपको। सीलिंग आप देख सकते हो, लाइट्स आप देख सकते हो। सो जो सारी टीम है, जो फर्नीचर बनाने की, जो मिस्त्री का काम है, और इलेक्ट्रिशियंस, POP, कलर वाला बंदा, सब बहुत हार्ड वर्किंग है। पूरी टीम ने बहुत अच्छे से काम किया है। आप देख सकते हो सीलिंग का जो POP वाला बंदा था, ही वॉज तो सो फास्ट इन हिज वर्क, एंड बहुत ही नीटली, बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स पे उन्होंने काम किया, आप देख सकते हो। सो कहाँ पे हमें फोकस लाइट्स चाहिए, कहाँ पे हमें कितनी लाइट्स चाहिए, सब वास्तु मंत्रा ने हमें गाइड किया। आप देख सकते हो साइड पे भी जो ब्यूटीफुल लाइट्स है, ये मेरे हस्बैंड का मास्टरमाइंड था कि इस वॉल को भी हम कुछ ऐसे हाईलाइट देते हैं, तो इस तरह का कुछ है। एंड द मेन पर्सन शिष्टी मैडम, उन्होंने हमें ऐसे बताया कि इस तरह से आप कर सकते हो। मुझे ऐसा बुक शेल्फ चाहिए था कुछ हम रख सके, और बहुत ही प्रिटी बास्केट काइंड ऑफ लुक दे रहे हैं। अब चलते हैं हम यहाँ पे, ये है मेरा मास्टर बेडरूम। सो आप देख सकते हो सीलिंग पे यहाँ पे POP का वर्क है, कलरिंग जो पार्ट है, कर्टन्स के जो पार्ट है, बेड आप देख सकते हो, सभी की लिंक मैंने दे दी है नीचे डिस्क्रिप्शन में। आपको कुछ भी पसंद आ रहा है तो आप चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे घर का, ये बहुत मेजर चेंज में आया था। कंस्ट्रक्शन एंड डीकंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है दोस्तों, तो ये पूरा हमारा बालकनी था, और वो बालकनी को हमने डीकंस्ट्रक्ट करके यहाँ पे पूरा वार्डरोब बनाया। आपने जो देखा वो वार्डरोब, यहाँ पे खिड़की, यहाँ पे कर्टन्स हमने खुद दिए, हमने सिलेक्ट करके बनवाए हैं। सो ये आप देख सकते हो, और बेड के पीछे का जो वॉल है ये भी बहुत बड़ा था, कंस्ट्रक्टिंग का काम था ये बहुत बड़ा, और मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो में बताऊंगी कि पहले कैसा था और अब कैसा है, तो आपको पता चलेगा मेजर डिफरेंस। ये बेड स्लीप वेल का हमने मैट्रेस लिया है इस पे। सो पुणे से सब कुछ हमने खरीदा है, MG रोड से हमने कर्टन्स खरीदे, एंड स्लोली एंड स्टेडिली वी आर गेटिंग सेटल्ड इन टू अवर हाउस। और ये आप देख सकते हो बहुत सारी और चीज़ें भी बाकी है। मेजर कंस्ट्रक्शन वर्क वॉज द वार्डरोब, जो मिस्त्री ने बहुत अच्छे से किया है, क्योंकि हमारी जो घर की जो कंडीशन थी, उसकी जो बोलते ना ज़मीन जो थी ना, वो बहुत ही ज़्यादा आड़ी टेढ़ी, और वॉल्स भी बहुत आड़े टेढ़े थे, तो उन्होंने पूरे वॉल पे POP वर्क करवाया कि स्ट्रेट इफेक्ट मिले। सो आप इतना ब्यूटीफुल इफेक्ट देख सकते हो।
और साथ ही में बाथरूम का काम भी निकला था, टाइलिंग वर्क सब कुछ निकला था कंस्ट्रक्शन में, तो एक दो महीने तो कंस्ट्रक्शन में चले गए थे। आप देख सकते हो कितना प्रिटी लग रहा है मेरा बेडरूम, और आप देख सकते हो ये वार्डरोब, ड्रेसिंग टेबल, हर एक माइन्यूट डिटेल पे उन्होंने काम किया है। इलेक्ट्रिशियन वॉज ऑल्सो वेरी क्विक इन इज वर्क, और जहाँ जहाँ हमने उन्हें पॉइंट्स कही उन्होंने वो पॉइंट्स हमें दी, और साथ ही में वास्तु मंत्र की जो टीम थी, जो इंटीरियर डिजाइनर वाला जो टीम था, उन्हें हमें गाइड किया कि कहाँ पे कैसी LEDs आएंगी, क्या आएगा, फुल इमेजिनेशन एंड ऑल दैट 3Ds में हमको दिखाया था उन्होंने, एंड लाइक रियली इम्प्रेस्ड विद देयर वर्क। आप देख सकते हो वार्डरोब में मैंने सामान रखना भी स्टार्ट कर दिया है, ये बच्चे का सेक्शन है आप देख सकते हो, फिर यहाँ पे मेरा सेक्शन है जहाँ पे मैंने मेरी चीज़ें स्टोर करना स्टार्ट कर दी है। अभी फिलहाल आपको बहुत मैसी लगेगा क्योंकि अभी जस्ट स्टार्ट किया है मैंने सब कुछ डालना, एंड देन अगेन आई विल यू नो रीशफल एवरीथिंग, सो यू कैन जस्ट सी लॉट ऑफ स्पेस, लाइक पूरी जो बैल्कनी थी उसे हमने पूरा वार्डरोब में कन्वर्ट कर दिया। एंड ऑफ द वीडियो में होगा, मैं आपको बताऊँगी कैसे क्या था और क्या बन गया, एंड कमाल का काम किया है सच में कह रही हूँ। मिस्त्री का जो काम था, माइन्यूट डिटेलिंग जो वर्क उन्होंने की है घर पे, बहुत अच्छे से की है। फिर यहाँ पे देख सकते हो पेंटर का काम भी आपको दिखेगा, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लश्चर पेंट उन्होंने पूरे घर पे किया है। देन यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी कंस्ट्रक्शन का काम है, जो बेसिन का जो एरिया है वहाँ पे टाइलिंग वर्क करी हुई है, स्टोन टाइलिंग वर्क एंड ऑल दैट, एंड यू कैन सी सीलिंग पे आप देख सकते हो सब बहुत ही बहुत छोटी छोटी जो बारीकियाँ होती है ना उसे भी कंसिडर किया जाता है, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा वास्तु मंत्र के पूरे टीम में। और या हम तब तक ऊपर थे हमारे बिल्डिंग में, फोर्थ फ्लोर पे रह रहे थे, 3-3.5 महीने बहुत मुश्किल से निकले हैं, लेकिन कहते हैं ना सबर का फल बहुत मीठा होता है। अब आप देख सकते हो मेरा किचन, सो किचन में भी मिस्त्री का काम बहुत ज़्यादा था, लाइक फर्नीचर का काम हमारे घर में बहुत ज़्यादा था, ये तो हमें पहले ही पता था, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन एंड डीकंस्ट्रक्शन का काम साथ ही में आता गया ना, तो वो हमारा टाइम थोड़ा ज़्यादा लेता गया, लेकिन फिर भी कहते ना सबर का फल मीठा है, बहुत मीठा लगा, बहुत ही नीट वर्क किया है। द कलर्स विच दे हैव चोजन बहुत ही अच्छे थे, कलर्स में तो मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ, तो दे वर रियली गाइडिंग अस टूवर्ड्स लाइक आप ये कलर्स लीजिए और कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा, बड़ा लगेगा एंड ऑल दैट, यू नो। तो ये आप देख सकते हो हर एक चीज़ के लिए वो हमें पूछते थे कि आपको कैसे चाहिए, ब्रैकेट्स कैसे चाहिए, एंड लाइक आप कन्वीनियंट होना ओपन करने के लिए, क्लोज करने के लिए। आप देख सकते हो सामान रखना स्टार्ट हो गया है, सो मैग्नेट स्लो क्लोजिंग कबर्ड्स, और जहाँ पे भी कुछ भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स थी उन्होंने सॉल्व की। एंड यहाँ पे भी उन्होंने ये भी हमको उन्होंने गाइड किया था कि इस तरह से आप कुछ कर सकते हो लाइक यू नो शो के लिए किचन में, सो दैट ऑल्सो गिव्स अ वेरी नाइस लुक इन माई किचन। और यहाँ पे भी सॉफ्ट लाइट्स दिए उन्होंने। अब चलते हैं पेरेंट्स बेडरूम की तरफ, तो ये मेरे मदर इन लॉ एंड उनका रूम है, तो ये एक उनका रूम है, तो उनके हिसाब से उन्होंने डिज़ाइन किया, ज़्यादा कुछ इसमें किया नहीं है, बट येस उनको जो कबर्ड्स थे उनको उन्होंने एक अच्छे से लॉफ्ट वगैरह बना के दिया। एंड कर्टन्स आप देख सकते हो ये भी मैंने MG रोड से ही लिया है, मैं उनका एड्रेस दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप देख सकते हो वहाँ पे भी एक कैबिनेट बनाया है, स्टिचिंग कैबिनेट है, और उनको जो भी कुछ स्टोर करना है वगैरह वो वहाँ पे कर सकते हैं। एंड POP वर्क आप देख सकते हो सीलिंग पे, सो काफ़ी बहुत अच्छे से टीम ने साथ में काम किया हुआ है, हर एक टीम ने बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगाया, हार्ड वर्किंग टीम है और बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, हार्ड वर्किंग तो है ही लेकिन साथ में टैलेंटेड बहुत है, माइन्यूट डिटेल्स पे काम किया हुआ है, एंड आई जस्ट कम्प्लीटली लव। सो आई होप आपको अच्छा लगा हो। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि पहले कैसे थे और अब कैसा हो गया है, क्या क्या चेंज किया अब आपको देखने मिलेगा। ये पूरा मेरा घर का टूर था, सो यस, एंड द लाइटिंग इफेक्ट्स एंड एवरीथिंग, जो सॉफ्ट लाइट्स, हाई लाइट्स, वार्म लाइट्स सब कुछ दिया हुआ उन्होंने। एंड मजा आया हो ये वीडियो देखते हुए। मैंने पूरा प्रोसीजर देखा है, लाइक आई वाज इन फॉर द 3.5 मंथ्स में उनके साथ ही थी, मैं देख रही थी काम कैसे चल रहा है एंड ऑल दैट, सो लाइक मैंने पूरे स्क्रैच से उसे ये हाल में देखा है, सो लाइक आई एम लाइक रियली हैप्पी, मुझे बहुत मजा आया। एंड 3.5 मंथ्स मैंने आपको कुछ भी इसके बारे में बताया नहीं था, मैं दूसरे रेंटेड अपार्टमेंट में रह रही थी, शूट्स चल रहे थे,
सब आपके साथ कंटिन्यूअसली थी मैं, लेकिन मैंने आप लोगों के साथ कुछ भी डिस्कस नहीं किया था कि ये सब चल रहा है मेरी लाइफ में. नाउ द शिफ्टिंग विल गो लाइक चलेगा और सब हम सामान ला रहे हैं स्लोली एंड स्टेडीली. टीवी भी आएगा एंड ऑल द अदर डेकोरेशन जो भी सारे सामान है अब हमें वहां से यहाँ शिफ्ट करना है. एंड ये कर रहे हैं, आहिस्ते आहिस्ते सब हो जाएगा. एंड आप आगे के वीडियोज में देखते रहेंगे मेरे वॉर्डरोब को, द डिजाइनर ड्रेसिंग टेबल, एवरीथिंग विल बी सीन इन माई फ्यूचर वीडियोज. सो यस फ्रेंड्स, आई होप मजा आया हो. एंड मैं तो यही कहूंगी कि अगर आपको रेनोवेशन करवाना है तो यू डेफिनेटली चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. मैंने वास्तु मंत्र के फोन नंबर एंड एड्रेस वगैरह सब प्रोवाइड कर दिए हैं. मुझे काफी अच्छा लगा, बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव लगा उनका काम. उनका पूरा जो टीम है बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव वर्क उन्होंने किया है एंड आई रियली लाइक इट. कुछ चीजें हैं फ्रेंड्स हमको ध्यान में रखनी चाहिए जब हम एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट किसी को देते हैं, तो ये देखना है कि हम जो टाइम लिमिट में उन्हें कहते हैं कि कम्प्लीट करना है वो कम्प्लीट करें. एंड ऑल दैट माइन्यूट थिंग्स विच आई सॉ इन वास्तु मंत्र वॉज लाइक रियली रियली अप्रिशिएबल. सो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती हूँ मैं उनको इस चीज के लिए. सो येस, दिस वॉज इट आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू फ्रेंड्स. आई होप मजा आया है. अगर मजा आया है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करना और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन को भी शेयर करो ताकि और इन्फॉर्मेशन आगे स्प्रेड हो. एंड येस, इफ यू हैव कम टू माई चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, वेट क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब बटन नीचे ही है, प्रेस कर दो, आप जुड़ जाओगे मेरे फैमिली में. साथ ही में बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल ही मत भूलना ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे मेरे चैनल के रिगार्डिंग. टिल देन आई सी माई नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो. बी ब्यूटिफुल, बी गॉर्जियस एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग.